रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार जान। आज की वीडियो तुहानू दसना है कि जिहड़ी कबोटा मशीन नाल ड्रिल कास्ट मुंझी हुई है उहदे बारे मालूमात फराहम करनियां। उस तो पहले मैं तुहानू एक दोहड़ा सुनाउणा चाहना, मोढे लख मुश्ताक मला पै देवेन, दरिया वहिंदे कदी सुख नहीं, चंगे सज्जण सटेन त रब वारिस, वहिंदी रोज़ी पिछे दी मुक नहीं। तो तेनू माण है उचिया संगतं दे, मेरे कान कितों भी चुक नहीं, कोई सानू ही ढूंढिया लभ रही सी, गया मुलक जहान ते मुक नहीं। काशकार वीरावो, ये जिहड़ी ड्रिल कास्ट मुंझी लगी है कबोटा मशीन नाल, जिवें कि तुसीं वेख रहे हो इहदी ग्रोथ भी अच्छी है, हले इहदी उम्र 10 तों 15 दिन होई है। इहदे विच पाणी भी खेलियां दे विच ज़्यादा तों ज़्यादा खड़ा है। इहदा फायदा इह हुंदा है अगर पानी इनू ज़्यादा मिकदार मिलता रहे तो यह बूटा भी चंगा मार दी है, और उस तो बाद जी ये हवा का गुजर बसर होता है, उसकी वजह तो एक ग्रोथ अच्छी कर दी है। एक तो ये खाद जी खेली दे ज़्यादा तो ज़्यादा इन प्रोवाइड होती है। उसकी वजह की है कि जिमें भी असं खाद का छट्टा करें, क्योंकि जिड़िया खेल बनी हुई होती है उन्होंने खाद हल हो के बूटे की झाड़ तक जल्दी पहुँच जाती है, और उस तो बाद इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जिमें कि तुम ये लाइन देख रहे हो, हालांकि इसकी उम्र भी इतनी नहीं है, पर यह 5-5 6-6 तीले बना चुकी है। अगर तुम इस तरह कबोटा मशीन नाल धान काश करवाते हो तो यकीन जानो तुहाडी 5 तों 10 माण पैदावार स्टार्ट ही ज़्यादा हो जाती है, और ये बूटा मारन की सलाहियत इतनी है कि ये 100 मण तक पैदावार देने की कपैसिटी रखती है। काशकार वीरां, आज की वीडियो सिर्फ मैं तुम्हें इतना एक दसना है कि तुसी कबोटा मशीन नाल अगर मुंजी लगवाते हो, जिस तरह मैं पहली वीडियो तुम्हें दिखाया है कि मुंजी लग रही आई, और उस तो बाद अज ठीक 15 दिन ने इसकी कंडीशन वेख लो। बाकी जी अगर हाथ नाल बीजा पटवा के तुसी लगवाते हो उस की होंदा है कि असी हाथ नाल बीजा एक खेत तो दूसरे खेत मुंतकिल करें पुटते हैं, वो जड़ा डैमेज हो गई। दूसरे नंबर पर जदों मुंतकिल आती है वो 10 दिन तो सिर चांदी नहीं, क्योंकि वो जड़ा विच टुटिया हुई होती है, और ये मशीन नाल अलहमदुल्ला बेहतरीन रिजल्ट नज़र आए। और मैं चाहना कि तुसी भी इस तरह कबोटा मशीन नाल अगे तो बाद ड्रिल कास्ट मुंजी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। अज लई इतना ही, इजाजत दियो अपने दोस्त अबरार हैदर नूं।